एवरीवन, राधे कृष्ण, आप सभी को राधे राधे। आज चैत नवरात्रि का तीसरा नवरात्रा और माता चंद्रघंटा की हम लोग करते हैं आज के दिन पूजा। हाँ, मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर हम रोज़ नवरात्रों में हवन नहीं कर सकते तो हम माता रानी को जो लौंग के जोड़े की आहुति देनी होती है वो अग्नि में हम कैसे दें। नवरात्रों की 9 दिन की पूजा में माता रानी को ये लौंग के जोड़ों की आहुति देना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर आप रोज़ हवन नहीं कर सकते हैं तो आप बहुत ही सरल तरीके से रोज़ आप लौंग के जोड़ों की आहुति सिर्फ कपूर के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी क्या है विधि आप लोग को दिखा रही हूँ, इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर चाहिए होते हैं हमें पताशे, 2 पताशे, 2 लौंग के जोड़े, साथ में कपूर। तो यहाँ पे मैंने कपूर रखे, पताशे, लौंग के जोड़े, साथ में ये गूगल लुबान वाली जो दीपक आते हैं रेडीमेड, उसको लिया है। हमें अपने घर पे समय समय पे कपूर और लौंग की आरती और धुएं को करते रहना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी घर में बनी रहती है। और नवरात्रों का समय है तो नवरात्रों के समय अगर हम हवन नहीं कर सकते गाय के गोबर के उपयोग के साथ, तो आप ये जो रेडीमेड दीपक आता है जिसमें गूगल लुबान लगा होता है, इस पर कपूर रख के आप इस हवन को कर सकते हैं। तो इसको धुनी कहते हैं। तो इसकी धुनी को पूरे घर में दिया जाता है। तो यहाँ जब भी हम आरती करते हैं ना, तो आरती कपूर से की जाती है, उसके ऊपर पताशे रखेंगे हम और लौंग के जोड़े। तो ये पताशे और लौंग के जो जोड़े होते हैं माता रानी के बहुत प्रिय होते हैं। ये भोग भी होता है माता रानी का। और नवरात्रि की पूजा पूर्ण करने के बाद हमें इसकी आहुति ज़रूर देनी चाहिए अगर आप नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तो। ये नवरात्रि के पूरे 9 दिन भी कर सकते हैं आप। अगर आपके पास समय है तो आप गाय के गोबर के उपले के साथ हवन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समय नहीं है तो आप इस रेडीमेड वाले जो गूगल लुबान का दीपक होता है उसके ऊपर भी ये आरती पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नवरात्रि के जब लास्ट 9वां दिन होता है ना, तो उस दिन तो देखिए गाय के गोबर का हवन ज़रूर किया जाता है अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं या पहला या आखिरी आप ये जोड़े के साथ नवरात्रि कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को ज़रूर करना चाहिए, इस विधि से नवरात्रि में हवन करना चाहिए। इससे माता रानी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती है, उनकी कृपा हम पे बनी रहती है। तो माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए इस तरीके से हवन जरूर करना चाहिए। और ये नवरात्रि के डेली के नियम होते हैं। तो देखिए, अभी आरती करने के बाद कुछ देर के लिए मैं मंदिर में बैठती हूँ, यहाँ पे जाप करती हूँ। तो जाप मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला या फिर कमलगट्टे की माला से करती हूँ। तो दोस्तों, अगर समय है तो आप माला का जाप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं माला का जाप जरूर करती हूँ, तो इसमें भी समय लगता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ इस कपूर की आरती को पूरे घर में इसकी धुनी को दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं किचन में आ गई हूँ। किचन के बाद हम पूरे घर में दिखाएँगे, तो इस तरीके से हम पूरे घर में इसकी धुनी देंगे, जिससे हमारे घर का जो माहौल होता है ना बहुत ही अच्छा बना रहता है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और नवरात्रों के दिनों में आपके घर से एक अलग ही स्मेल आती है। आप कभी महसूस करके देखिएगा कि जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसके बाद जो घर की स्मेल और जो खुशबू होती है ना बहुत ही अच्छी होती है और बहुत पॉजिटिव सा फील होता है पूरे नवरात्रों में। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं अपने घर में नवरात्रों की करती हूँ, बहुत सरल तरीके से पूजा पाठ की विधि। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। सभी के साथ मैं ऐसे सरल तरीके से पूजा पाठ की वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो नवरात्रि के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा। दोस्तों, जय माता की।